गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, आज के टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं आज शाम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में। ओके वीवर्स, आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ओके, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, आई होप आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं और जिस इंसान के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस इंसान को रीडिंग के दौरान विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि कार्ड भी यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग आ गए हैं। जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं वो हैं द वर्ल्ड, फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। यहाँ पर फायर साइन है मेष, सिंह, धनु, एरिस, लियो, सजिटेरियस। वाटर साइन है मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं या फिर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इन डेट्स में, इन मंथ्स में अगर आपसे मिस हो गई थी तो वो अपॉर्चुनिटी और वो जो ऑफ़र है ना आपको दोबारा मिल सकता है। सो इन नंबर्स पर, इन डेट्स पर, इन मंथ्स पर नज़र बनाए रखें। यहाँ पर आपके जीवन में जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है अगर हम उसकी बात करें ना, तो आप काफ़ी एक ऐसे पोजिशन पर नज़र आ रहे हैं जहाँ पर आपको अपने साथ जस्टिस चाहिए और इस जस्टिस का आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके आपके पर्सन के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा। अगर हम पास के रिश्ते की बात करें ना कि आपका आपके पर्सन के साथ में किस तरह का रिश्ता था, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता आपके इस पर्सन के साथ में टूट गया है और ये एक कर्मा साइकिल है जो चली आ रही थी आपके आपके पार्टनर के बीच में। इसका एंड तो हुआ है बट हाँ, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं और आप आज भी अपने लिए जस्टिस की मांग करते हैं, आपके साथ जस्टिस हो, इंसाफ हो, ये दिल में आपके आज भी है। तो यहाँ पर आपका पर्सन भी ये सोचता है, क्योंकि अगर आपके पर्सन ने आपके साथ में कुछ भी गलत किया है ना, तो यहाँ पर ये पर्सन भी काफ़ी दुख और तकलीफ़ में है। इस पर्सन की लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो भी सही नहीं है। अगर आप दुखी हैं ना तो आपका पर्सन भी दुखी है, अगर आप हर्ट हैं किसी बात से तो आपका पर्सन उससे ज़्यादा हर्ट है। और यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है इस पर्सन के और आपके रिश्ते में, तो हाँ डेफिनेटली नज़र तो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर और आपके पर्सन की लाइफ में जो भी इस पर्सन की ज़िंदगी में पास्ट में कोई रिश्ता रहा था ना, वही थर्ड पार्टी का काम कर रहा है, यानी कि इस पर्सन का ओल्ड पास्ट लवर है ये, जो भी है ये थर्ड पार्टी ना आपके पर्सन का पास्ट लवर है जो आज भी आपके पर्सन को पाने की ख्वाहिश रखता है और इसी की वजह से आप दोनों के बीच ये डिस्टेंस आया है। आपका पर्सन अगर आपसे दूर है तो उसकी वजह से ही है, ये पास्ट लवर अपनी ज़िंदगी में खुश होने के बावजूद भी आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक ऐसी पर्सन की तरह बनकर रह गया है जहाँ पर आपका पर्सन इस पर्सन को पाने की ख्वाहिश पास्ट में रखता था, बट अब आपके पर्सन की कोई ख्वाहिश, कोई इंटरेस्ट इस इंसान में नहीं बचा है, पर इस थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट आपके पर्सन में लगातार नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन को जो थर्ड पार्टी लुभावने ऑफर दे रही है वो यहाँ पर फोर ऑफ कप्स के कार्ड में नज़र भी आ रहा है कि आपके पर्सन को ऑफ़र मिल रहे हैं, प्यार के ऑफ़र मिल रहे हैं और यहाँ पर ये पर्सन आप ही के ख्यालों में खोया हुआ है। आज शाम भी ये पर्सन आप ही के ख्यालों में खोया हुआ है और आप ही के बारे में अपने फ्रेंड से बातें कर रहा है कि ये पर्सन कंफ्यूज होकर रह गए थे आपसे, इस पर्सन ने रिश्ता तोड़ तो दिया है बट आज भी ये आप ही की ख्यालों में अटके हुए हैं, यानी कि ये रह रहकर इस पर्सन को आप ही के ख्याल आते हैं, क्योंकि जो कर्मा साइकिल का एंड हुआ था ना, आज भी कहीं ना कहीं उसकी जो एक टीस है ना इस पर्सन के दिल में है, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड के साथ साथ हमारे पास फोर ऑफ कप्स आया है और जो ऑफर इस पर्सन को मिल रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से, इसके बारे में भी बातें कर रहे थे, क्योंकि ये पर्सन आपका होना चाहता है, आपके सिवा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहता है। भले ही आपसे ये पर्सन रिश्ता तोड़कर चले गए हों बट आज भी ये पर्सन आपको भुला नहीं पाया। जो इस पर्सन ने सोचा था ना वैसा कुछ भी नहीं हो पाया है। इस पर्सन को लगा था कि आपसे डिस्टेंस बनाकर, आपसे दूर जाकर ये पर्सन खुश रह सकेगा, बट यहाँ पर ये खुशी इस पर्सन की ज़िंदगी में नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ पर फोर ऑफ कप्स के साथ साथ देख रहे ना टू ऑफ वांड्स है, तो ये पर्सन आज भी आप ही का इंतज़ार कर रहा है और एक ऐसे वक्त का भी इंतज़ार कर रहा है जहाँ पर सारी चीज़ें सही हों, यानी कि इस पर्सन के जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम इस पर्सन की ज़िंदगी से चली जाए, ताकि ये अपनी ज़िंदगी के बारे में, आपके बारे में सोच सकें। क्योंकि ये पर्सन ना
एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक का होकर रहना चाहता है। इस पर्सन की लाइफ में भले ही कितनी भी चॉइसेस क्यों ना हो, ये पर्सन उनको इग्नोर कर रहा है, अपने पास लवर को भी इग्नोर कर रहा है, आपकी वजह से इग्नोर कर रहा है, ये चीज़ भी यहाँ नज़र आ रही है। क्योंकि इस पर्सन के दिल में आप ही हैं जिसके बारे में लगातार ये पर्सन सोचते हैं, और आज शाम भी ये पर्सन आपके बारे में ही लगातार सोचे जा रहे हैं। और आपके बारे में ये जो सबसे मेन बात जो करते हैं ना अपने फ्रेंड से, और आज शाम भी ये पर्सन जो कर रहे हैं बातें ना, वो आपको लेकर हैं कि ये पर्सन एक ऐसे वक्त का इंतज़ार कर रहा है जहाँ पर इस पर्सन की सिचुएशन इंप्रूव हो और ये पर्सन रिटर्न आपकी लाइफ में वापस आ सके। क्योंकि यहाँ पर ना इस पर्सन को डायरेक्शन की ज़रूरत है, एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इसके फ्रेंड इस पर्सन को सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं और कुछ अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देख रहे ना द स्टार का कार्ड है हमारे पास, तो ये पर्सन आपको एक स्टार के रूप में देखता है, जहाँ पर इस पर्सन की एक ख्वाहिश है कि ये आपको पा सके और कुछ दबी हुई इच्छाएं हैं जिन्हें ये पूरा कर सकें। तो यहाँ पर एंजल्स भी इस पर्सन को गाइड कर रहे हैं कि इसे आपकी तरफ बढ़ना है, डायरेक्शन दिखाने की कोशिश की जा रही है इस पर्सन को, बट ये अपनी डायरेक्शन जैसे कि भूल गए हैं। ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज होकर रह गए हैं, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव है। तो इस नेगेटिविटी के चलते भी ये पर्सन कुछ सही नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में, और ना ही आपके लिए कुछ सही कर पा रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पर अगर आपके साथ में कुछ भी अनजस्टिस हुआ था तो यहाँ जस्टिस तो होगा, क्योंकि ये पर्सन अपनी गलती को रियलाइज भी कर पा रहा है और उन लोगों के असली चेहरे भी देख पा रहा है जो आप दोनों को जुदा कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो भी जुदाई आप दोनों के बीच इस वक्त है, किसी अदर पर्सन की वजह से, इस पर्सन के पास लवर की वजह से ही है, ये बात भी क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर ना एक ऐसे इंसान की एनर्जीज हैं जो इंसान आपके ख्यालों में खोया हुआ है आज शाम भी, और आप ही के बारे में बातें कर रहा है। क्योंकि ये पर्सन आपके बिना खुद को अधूरा महसूस कर रहा है, इस पर्सन का दिल कहीं नहीं लगता आपके सिवा, और ये चीज़ यहाँ इन सारे कार्ड्स में नज़र आ रही है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपको पाने की एक ख्वाहिश रखता है, और ये ख्वाहिश ये पर्सन बहुत जल्द पूरी करेंगे। अगर ये पर्सन इस नेगेटिविटी से बाहर आया तो ये पर्सन सही फैसला करेंगे, अपनी ज़िंदगी को एक आगे मकाम तक ले जाने की जो कोशिशें इस पर्सन की हैं, एक सही डायरेक्शन पाने की जो इस पर्सन के दिल में ख्वाहिश जगी है कि ये पर्सन सही कर सकें इस रिश्ते को भी, और अपने जीवन में भी कुछ बेहतर और अच्छा कर सकें। इस पर्सन की सारी विशेष पूरी हों, और इस पर्सन की सबसे पहली विश तो आप ही हैं कि ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र भी आ रही है। इन सारे कार्ड्स में काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स इस पर्सन को मिलती हुई नज़र आ रही हैं, बट ये पर्सन उन चीज़ों को देख नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा है। ओके व्यूअर्स, तो आज शाम आपको पर्सन आपके बारे में अपने फ्रेंड से यही बातें कर रहा था कि ये पर्सन आपको पाना चाहता है और अपनी दबी हुई इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, आपके साथ को पाना चाहता है। यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएं। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।